टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते देख ठाणे महानगर पालिका ने कलवा वासियों के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कलवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सचिन बोरसे ने लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, पहले कोरोना टेस्ट कराएं फिर अपनी दुकानें खोलें, क्योंकि कलवा में कोरोना के आंकड़े कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम पिछले दो दिनों के आंकड़े आपको बता रहे हैं, 12/8/2020 से लेकर जो है आज तक जो है जो रैपिड टेस्ट किया गया है उसमें कितने लोगों के पॉजिटिव आए हैं, कितने लोगों के नेगेटिव आए हैं, वो हम आपको रिपोर्ट देंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें काफ़ी लंबी लाइन कोरोना जांच की लगी हुई है। और कलवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सचिन बोरसे ने व प्रमोद खरात टीएमसी की पूरी टीम तैनात है इस रैपिड टेस्ट को लेकर, कलवा में तैनात है। और जो लोग डर रहे हैं इस टेस्ट से, तो हम उनको बता दें मात्र 30 मिनट में इस टेस्ट का रिजल्ट सामने आता है। और इन्हीं मामलों को देखते हुए कलवा कोरोना मुक्त का बीड़ा उठाया है, रैपिड टेस्ट करने का कदम सख्त कर दिया है। और कल और आज दो दिन के भीतर कलवा के सहकार विद्यालय में लगभग 1300 के करीब लोगों की टेस्ट किया गया है, जिसमें 54 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बाकी के लोग नेगेटिव पाए गए हैं। जो 54 लोग दो दिनों की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं उनको सहकार विद्यालय में एडमिट कर दिया गया है, जहां उनकी इलाज किया जा रहा है। ये तो रैपिड टेस्ट के जांच के आंकड़े हैं, और जो ऑफिशियल रिपोर्ट हैं वो अलग हैं, जो आप सबके बीच हर रोज सामने आता है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।